ईश्वर की खोज। इब्राहिम अदम रात में सिंहासन पर सो रहा था और सिपाही कोटे पर पहरा दे रहे थे। बादशाह का यह अभिप्राय नहीं था कि सिपाहियों की सहायता से चोरों और दुष्ट मनुष्यों से बचा रहे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि जो बादशाह न्यायप्रिय है उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। एक दिन उस श्रेष्ठ पुरुष ने सिंहासन पर सोते हुए किसी के कुछ शब्दों और धमाधम होने की आवाज सुनी। वह अपने दिल में विचारने लगा कि यह किसकी हिम्मत है जो महल के कोठे पर इस तरह धमाके से पैर रखे। उसने कोठे के झरोखों से डांटकर कहा, कौन है? अरे यह तो मनुष्य नहीं, शायद परी है। कोठे पर से लोगों ने सिर झुकाकर कहा, रात्रि में हम ढूंढने निकले हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ढूंढने निकले हो? लोगों ने उत्तर दिया, ऊंटों। बादशाह ने फिर सवाल किया, क्या ऊंट उचककर कोठे पर पहुंच गया? उन लोगों ने बादशाह को उत्तर दिया, यदि इस प्रतिष्ठित सिंहासन पर बैठकर ईश्वर से मिलने की इच्छा की जा सकती है तो कोठे पर ऊंट भी मिल सकता है। इस घटना के बाद बादशाह को किसी ने नहीं देखा। जिनों और परियों की तरह वह लोगों की नजर से गायब हो गया। उसका आंतरिक गुण गुप्त था और उसकी सूरत लोगों के सामने थी। लोग दाढ़ी और गुदड़ी के अतिरिक्त और क्या देखते हैं? कहानी समाप्त।